हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल किंडरगार्टन क्लासेस। किड्स, टुडे वी विल डू कंसेप्ट ऑफ दिस एंड दैट। दिस इज यूज्ड टू से एंड शो द सिंगुलर ऑब्जेक्ट व्हिच इज नियर। यानी कि दिस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं जो कि सिंगुलर होता है और हमारे नियर है। ठीक है, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल। देखिए ये बॉल है, हमारे नियर है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस। दिस इज एन, ये भी नियर है, आइसक्रीम। दिस इज एन आइसक्रीम। हमने एन यहां पे क्यों लगाया है, क्योंकि ये वाउल से स्टार्ट हो रहा है ना, ए ई आई ओ यू, आई इज वाउल, तो यहां पे क्या लगेगा, एन। दिस इज एन आइसक्रीम, ये आइसक्रीम है, हमारे नियर है। जो ऑब्जेक्ट हमारे नियर है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस। दिस इज अ पेन, ये पेन है, ये हमारे नियर है, यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज अ पेन। दिस, जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल मेरे नियर है ना, मेरे हाथ में है, नियर है, तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज अ पेंसिल। ओके, ये पेन है तो ये मेरे नियर है, तो मैं क्या बोलूँगी इसके लिए, दिस इज अ पेन। Then that is used to say and show the singular object which is far away. जो चीज़ हमसे दूर होती है, जो चीज़ हमसे दूर है और सिंगल है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, that. जो चीज़ हमसे दूर है और सिंगुलर है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, that. That is a, क्या है ये, ball. That is a ball. ये बॉल जो है दूर है ना, जो ये एरो है वो इसकी दूरी को दर्शा रहा है, यहाँ पे बॉल दूर है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, दैट। दैट इज एन आइसक्रीम, तो यहाँ पे आइसक्रीम। तो आइसक्रीम कहाँ है, दूर है, तो हम क्या यूज करेंगे, दैट। That is a pen. ये पेन है, पेन कहाँ है, दूर है ना पेन, ये देखो दूर है, ये नियर है और ये दूर है, जो दूर है हमसे यानी कि फार है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट। चलो हम यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, डैश इज अ डैश। अब ये देखो ये एरो है, तो एरो क्या दर्शा रहा है कि ट्री क्या है, दूर है ना, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, दिस कि दैट, यस दैट, तो हम यहाँ लगाएंगे दैट, जो दूर है उसके लिए हम लगाएंगे दैट। हम स्टार्ट करेंगे दैट से, दैट इज अ, क्या ऑब्जेक्ट है ये, ट्री, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्री। दैट इज अ ट्री, जो ट्री है वो दूर है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, दैट। नेक्स्ट देखिए, डैश इज एन, ये पिक्चर में क्या है, अम्ब्रेला है ना, तो ये देखिए ये अम्ब्रेला है, तो ये दूर है कि नियर है, ये देखो ये नियर है ना, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दिस। नियर के लिए, नियर ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस। सिंगल है और नियर है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस। दिस इज एन अम्ब्रेला। हमने यहाँ पे एन यूज किया है क्योंकि ये वाउल है, ठीक है बच्चे। आपको ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी आ सकता है, देखिए व्हाट इज दिस, अब ये फैन है, ठीक है, फैन नियर है, तो व्हाट इज दिस, कोई पूछे व्हाट इज दिस, मैं कहूँगी दिस इज अ पेंसिल, है ना,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेंसिल, तो यहाँ पे क्या पिक्चर बनी हुई है, फैन की, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ फैन, दिस इज अ फैन। और जब हम ये वाला दिस आगे दिस लगाएंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल डालेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, ये देखो ये दैट ये स्टार है ना, ये स्टार दूर है, ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, व्हाट इज दैट, तो हम क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज दैट, वो क्या है, दैट इज अ स्टार, हम आंसर में क्या लिखेंगे, दैट इज अ स्टार, फर्स्ट लेटर कैपिटल डालेंगे, दैट इज अ स्टार। ओके किड्स, आपको पता चल गया ना कि दिस हम कहाँ यूज करेंगे और दैट कहाँ, नियर की थिंग्स के लिए नियर और सिंगुलर की थिंग्स के लिए दिस, और फार सिंगुलर थिंग्स के लिए दैट। ओके